बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज सुबह 9 बजे सड़क मार्ग के रास्ते हरिद्वार से देहरादून जाएंगे। हरिद्वार से देहरादून तक पहुंचने के दौरान रास्ते में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर नड्डा का स्वागत करेंगे। नड्डा सुबह 11:30 बजे बीजापुर में प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 3:45 पर मंडल समिति की बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 6:45 से 8:15 तक जेपी नड्डा मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। रात को ONGC गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर है। उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम है ये आपको हम बता रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचेंगे। इसके अलावा रात को ONGC गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल कल जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का पहला दिन था और कल वो हरिद्वार में थे जहाँ उन्होंने गंगा आरती में भी भाग लिया और आज वो हरिद्वार से सड़क मार्ग से देहरादून जाएंगे जहाँ जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर उनका स्वागत करेंगे। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का भी कार्यक्रम है। सोमवार तक जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में ही रहेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लौटे इसको लेकर भी इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। सुरेंद्र डसिला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, आज दूसरा दिन है उत्तराखंड दौरे का जेपी नड्डा के, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है, क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, मुलाकात नहीं होनी है बल्कि बैठकें हैं। बैठकों में सभी लोग शामिल रहेंगे। 9 बजे हरिद्वार से जेपी नड्डा सड़क मार्ग से निकलेंगे और जगह जगह उनका स्वागत होगा। 11:30 बजे पहली बैठक शुरू होगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधि यानी मेयर होंगे, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष होंगे, नगर पंचायतों के, जिला पंचायतों के अध्यक्ष होंगे जो भाजपा के हैं, वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे और इसमें उनको ये बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचा रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं और इस पर जेपी नड्डा क्या कहते हैं। ये सारी चीजें इस बैठक में होंगी। 2 बजे इस बैठक से संबंधित एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये क्लियर नहीं है कि जेपी नड्डा करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। करीब 4:45 बजे ये एक बड़ी बैठक मानी जा सकती है मंडल समिति की। ये इसलिए बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का जो अध्यक्ष है, जो नेता है, वो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेगा, उनसे बात करेगा। यानी बीजेपी एक मैसेज ये देती है, जो अक्सर वो कहती है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, हम औरों से अलग है, तो ये कोशिश मंडल समिति की बैठक के साथ देने की उनकी होगी। उसके बाद 5 बजे उनका प्रबुद्ध सम्मेलन होगा जिसमें अलग अलग सेक्टर में अच्छा काम कर रहे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ वो संवाद करेंगे। बीजेपी की नीति, बीजेपी की कार्यप्रणाली और बीजेपी के जो बड़े डिसीजन है उनको लेकर पब्लिक क्या सोचती है उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे। 7:15 से 8:15 तक बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होंगी जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, इन सबके साथ वो अलग अलग बैठक करेंगे। 1-to-1 ये बैठकें होंगी। अगर मुख्यमंत्री को संगठन से कोई नाराजगी है तो वो इसमें जाहिर हो सकती है। अगर संगठन को कोई नाराजगी मुख्यमंत्री से है तो वो जिक्र कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति अलग अलग जेपी नड्डा के सामने अपनी बातें रखेगा। संगठन को मजबूत करने, सरकार को बेहतर करने, सरकार को 2022 के लिए और तैयार करने, ऐसे कई गुरु मंत्र होंगे जो जेपी नड्डा देंगे। इसलिए आज से, क्योंकि पहला दिन उनका अध्यात्म के नाम था, जो हरिद्वार में वो पहुंचे थे, शांति कुंज पहुंचे थे गायत्री परिवार के बीच में, उसके बाद अखाड़ा परिषद में साधुओं से मिले, उसके बाद वो गंगा आरती में शामिल हुए, फिर बाबा रामदेव से वो मिलते हैं, काली शक्तिपीठ के कैलाशानंद जी से मिलते हैं, अवधेशानंद गिरी जो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर है उनसे मिलते हैं। पहला दिन अध्यात्म के नाम रहा, दूसरा दिन अब राजनीति के नाम दूसरे दिन से शुरू होगा। लगातार अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं की क्लास भी हो लें, और क्योंकि विधायक, मंत्री, सांसद सभी मौजूद रहने हैं, इसलिए अगले 3 दिन देहरादून में हलचलें तेज रहेंगी और खासतौर पर भाजपा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम बैठकें करने का मौका मिला है, इससे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे।
धन्यवाद सुरेंद्र, जानकारी के लिए आपका।